हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं जीपी वीडियो। तो दोस्तों, आज 3D Max मैं कुछ मॉडल्स बनाना सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, इसी पे आज काम करेंगे हम। ऑल डब्ल्यू, ये पूरा फुल साइज। तो दोस्तों, आज हम आपको पिलो बनाना सिखाएंगे। तो देखते हैं हम पिलो यानी तकिया कैसे बनाते हैं 3ds Max में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बॉक्स लेंगे। चलो प्लेन ले लेते हैं, पहले एक प्लेन लेंगे हम। बॉक्स भी ले सकते हो आप और प्लेन भी। ये हमारा एक प्लेन हो गया जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, ये 4x4 सेगमेंट है ना। आप कम ही रखो क्योंकि ज़्यादा सेगमेंट फाइल को हैवी करते हैं। तो गाइस, तो हम एक बॉक्स लेंगे जो हमारे किलो का साइज होता है उसी टाइप में है। ये हो रहा है हमारा 4, ये सर ठीक है। और ये इसकी हम बनाएंगे, इसकी हाइट दोस्तों कम करेंगे हम। हाइट 0.1, हाँ 0.01 कर देते हैं। चलो, तो ये बहुत कम इसकी हाइट है जो मोटाई है। लेकिन दोस्तों, ये हमने जो पहले प्लेन बनाया था, प्लेन में सारे सेगमेंट हटा दिए थे हमने। लेकिन अब हम ये बॉक्स बनाया है, इसमें हम सेगमेंट जोड़ेंगे। इनमें सभी हटे हुए हैं, 1 1 1 है, लेंथ वेट और हाइट तीनों में एक एक सेगमेंट है। और हम सेगमेंट इनमें बढ़ाएंगे, करीब सेगमेंट हमारे इसमें कर देते हैं हम 50, वेट में भी 50 और हाइट हमारी बहुत कम है तो 20। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, जेड एंगल पे थोड़ा उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बॉक्स एक। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि दोनों सब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप मॉडिफाई और इसमें से क्लोथ पे आ जाइए। तो जैसे ही क्लोथ पे आओगे तो ये कुछ इस तरह का एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाना है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे दोस्तों, प्लेन हमारा आधार है और ये बॉक्स जो है जो हमने एक पिलो बनाने के लिए लिया है। तो हम प्लेन को तो यहाँ पे कॉल्यूजन ऑब्जेक्ट कर देंगे और बॉक्स को यहाँ पे क्लोथ। इधर से आप कुछ भी ले सकते हो, कॉटन में, कैसा, सिल्क में, रबर में, तो डिफॉल्ट कर सकते हो। और दोस्तों, जो हमारी प्लो होती है तो प्लो में हमारी में एक मोटाई होती है, तो इसमें उसी हिसाब से प्रेशर डाल देंगे हम 50 का। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा प्लेन है ये कॉलिजन ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। बॉक्स हमारा क्लोथ डिफॉल्ट और यहाँ पे प्रेशर, केवल यही करना है और यहाँ ओके कर देना है।
ओके करने के बाद आप समलेट लोकल कर सकते हो या समलेट कर सकते हो, आपकी जो भी करना चाहो कर सकते हो। ये मैंने समलेट लोकल कर दिया है, तो ये शुरू हो गया है इसका। ये नीचे चल रहा है सिमुलेटिंग, तो मतलब प्रोसेस चालू हो गई है हमारी पिलो बनने की। इस पिलो में जो हमने 50 का प्रेशर डाल रहा था उसकी वजह से ये फूल जाएगी और अपने कोलिजन ऑब्जेक्ट यानी आधार पे लाइन पे गिर के ये एक पिलो का रूप ले लेगी। तो दोस्तों थोड़ा स्लो होता है ये, क्योंकि इसमें सेगमेंट की वजह से थोड़ा सा स्लो है। हम सेगमेंट कम करते हैं तो थोड़ा सा और स्पीड अच्छी होती है इससे करने की। आप चाहो यहाँ से एस्केप करके आप रोक सकते हो। ये एस्केप मैंने दबा दिया है, तो ये जहाँ तक मेरी हुई है तैयार, अभी चल रहा था प्रोसेसिंग चल रहा था लेकिन मैं वहीं पे रोक दिया है। तो ये कुछ इस तरह की ये आपके सामने फ्लो तैयार हुई। कुछ और थोड़ी देर करते हम थोड़ा सा और इसमें ये सरवटें फिनिशिंग आ जाती, अभी हम स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ से स्मूथ है हमारा, स्मूथ थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी इसमें। फोटो स्मूथ क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारी फ्लो बन के तैयार हो गई है। ये हमारा मिशन करा दे करा दे ऐसे। और अब चाहे तो जब भी हम फ्लो बनाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा फ्लो हमारा तैयार हो गया है और हमने फिर फाइल सेव कर दी है और हटा दिया। अब हम दोबारा उस फाइल को खोलते हैं तो ये फ्लो का पूरा प्रेशर हट जाता है, खाली एक बॉक्स में वही प्लेन सा नज़र आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे सेलेक्ट करके और कन्वर्ट टू पॉली कर लेते हैं। इससे ये यही रहेगी और इसे बदल नहीं सकती। अब हमें इसे डिलीट करते हैं नीचे वाले को, ये हमारी काली पिलो ही पिलो रह गई है। तो नीचे आपको ये जो प्लेन पे रखी थी तो उसका थोड़ा सा वो आ गया है। और ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने देखा फ्लो बना था, आप प्रैक्टिस कीजिए और काफ़ी कुछ बना सकते हो इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और